नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भिंड शहर के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में कांग्रेस विधायकों के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस के कद्दावर नेता एक मंच पर दिखाई दिए। मंच पर प्रदेश व जिले के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री एवं लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री राकेश चौधरी और पूर्व विधायक हेमंत कटारे, कांग्रेस के विधायक मेवाराम जाटव सहित कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इस मौके पर एक दूसरे आंतरिक विरोध रखने वाले इन नेताओं ने लोगों को एक मंच पर पहुंचाकर मंडी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिले भर से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ कॉलेज में इकट्ठा हुई। यहां मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि यह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनता से छलावा कर रहे हैं। उसने प्रशासन की मदद से हमारे भिंड को मिलने वाली सौगातें ग्वालियर के सिंधिया घराने में गिरवी रखवाकर भिंड की जनता से छल किया है। वहीं मंच पर हेमंत कटारे ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भिंड में हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें परीक्षा से वंचित कर उनका भविष्य खराब करने का गणित कार्य किया है। भिंड के किसानों को कभी समय पर खाद नहीं मिली है और उनकी शिवराज सरकार ने कमर तोड़ दी है। अंत में मंच से भिंड की जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है और भारत का अच्छा संविधान गलत हाथों में पहुंचकर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए जनता को यह सोचना होगा कि हम मोदी के रास्ते पर चल, उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने भिंड की जनता से आग्रह किया कि आप सभी लोग कांग्रेस का साथ दें और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को काबिज करवाने में मदद करें। भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये से जनता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय का बदला लें। भिंड से खबर हरपल के लिए पीयूष पिथरिया की खबर। ये अनेकता है भारत की, और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये एक संस्कृति हमें जोड़ के रखती है, जो भारत की संस्कृति है। और आज इसी संस्कृति पर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें चुनना पड़ेगा हम कौन सा रास्ता पे चलना चाहते हैं, देश की संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं या मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं। ये प्रश्न हमारे सामने है। बाबा साहब अंबेडकर ने चुनौती स्वीकार करी थी और अपने देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपनाया, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो उस संविधान का क्या होगा? ये आज हमारे सामने चुनौती है।